नमस्कार, खबर से अनसी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला सीतापुर के ब्लॉक हरगांव के ग्राम सलारपुर में इक्को किसान बाजार के माध्यम से कृषि से संबंधित विभाग के अधिकारी फील्ड ऑफिसर श्री शिवशरण शुक्ला, टाइटोरिक मैनेजर शिखर श्रीवास्तव, रवि त्रिवेदी, कमलेश कुमार द्वारा ग्राम सलारपुर के मंडी स्थल में सलारपुर व पड़ोस के गांव से आए हुए कृषक गणों को जहां आधुनिक तकनीकी से खेती करने की जानकारी दी गई, वहीं कीटनाशकों फफूंदनाशकों की पहचान व फसलों में समय से प्रयोग का तरीका भी बताया। अतः किसानों को जैविक उर्वरकों का उपयोग करने की सिफारिश की व तरल कंसार्टिया नामक भूमि उपचारक जैव उर्वरक डेमो के रूप में मुफ्त में किसानों को वितरित किया गया। मतलब आप थोड़ी दूर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, ठीक है, इस फैशन में आप जिगजैग फैशन में, जिससे कि आपको पूरे खेत की का प्रतिनिधित्व हो जाए। चार कोनों से नमूने लेने से पूरे खेत का प्रतिनिधित्व नहीं होता, ठीक है। तो नंबर एक बात है कि आपको जिगजैग फैशन में चल के आपको स्पॉट तलाशने हैं कि कहाँ कहाँ से आपको नमूना लेना है, ठीक है। दूसरा यह है कि मेड़ के पास से आपको नमूना नहीं लेना है, थोड़ा सा दूर, एक दो लट्ठा छोड़ के, या अगर 8-10 मीटर का करीब छोड़ के, अगर छोटा खेत है तो 2-3 मीटर छोड़ के मेड़ के पास से आपको नमूना नहीं लेना है, कोनों से नमूना नहीं लेना है, ठीक है। या आपने कहीं मान लीजिए गोबर की खाद या कूड़ा आपने खेत में डाला है तो वहां से आपको नमूना नहीं लेना है, ठीक है। या पेड़ के नीचे से भी नमूना नहीं लेना है, क्योंकि पेड़ के नीचे पत्ते गिरते हैं, वहां पे जीवांश की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। या कहीं मान लीजिए गोबर पड़ा है, कोई जानवर ने गोबर कर दिया है, उसके आसपास से नमूना आपको नहीं लेना है, ठीक है। नमूना कितनी गहराई का लेना है ये भी जानना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल अपनी फसल उगाते हैं, धान गेहूं उगाते हैं, तो इसकी जड़ें हमारी लगभग 6 इंच या 1 बीते के आसपास जो है गहराई में जाती है, तो आपको इस गहराई का नमूना लेना है, ठीक है। अब इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, खेत में आपको बी आकार का ऐसा गड्ढा बनाना है, ठीक है। गड्ढा बना करके ये ऊपर से नीचे तक की एक परत जो है आपको निकाल लेनी है, ठीक। उसको निकालने के बाद मान लीजिए आपने 10 जगह का चयन किया पूरे खेत में से, उस 10 जगह की जो मिट्टी है आप उसको इकट्ठी करिए। इकट्ठा करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाइए, उसमें जो मान लीजिए मिट्टी आपके घास फूस है या कंकड़ पत्थर है उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक ढेर बनाइए, ढेर को 4 टुकड़े में विभाजित कीजिए आगे ऐसे, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट मेथड बोलते हैं। 4 टुकड़े जब आपके हो गए, 4 में से 2 टुकड़े आपको बाहर कर देना है, दो जो आपके हिस्से बचेंगे, मान लीजिए आपने पहली बार में 2 किलो मिट्टी आपने दी थी, तो अब एक बार आपने उसके 2 हिस्से हटा दिए तो आपकी 1 किलो मिट्टी बची, फिर 1 किलो को आपको दोबारा मिलाना है, और मिलाने के बाद फिर उसको जो है 4 टुकड़े में विभाजित करके फिर 2 टुकड़े बाहर करना है। 2 टुकड़े अब आपके जो बचे, लगभग 1/2 किलो मिट्टी आपकी बच गई, ये नमूने के लिए मिट्टी पर्याप्त हो जाती है आपकी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसको किसी साफ कपड़े की थैली में या प्लास्टिक की थैली है, ठीक है, उसमें आपको रखना है। रखने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर उसमें नमी है तो आप उसको छायादार जगह में, कोई साफ जो है आप पॉलीथीन ले सकते हैं जिसमें किसी तरीके का केमिकल या नमक कोई इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल न की गई हो, उसमें डाल करके उसको आप जो है, या पत्थर की कोई आपकी सीमेंटेड फर्श है उसके ऊपर आपको रख करके उसको सुखाना है छायादार जगह में, धूप में नहीं सुखाना है, ठीक है, छायादार जगह में उसको सुखाना है। और सुखाने के बाद फिर आपको उस मिट्टी का विवरण लिखना है, विवरण में आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका पता, ठीक है, तहसील, सारा डिटेल आपको भरना है। उसके अलावा खेत का अगर खसरा नंबर आपको मालूम है तो खसरा नंबर आपको भरना है। खसरा नंबर के बाद फिर आपको उसमें, अगर मान लीजिए खसरा नंबर नहीं मालूम है तो आप जैसे खेत की अपनी एक पहचान रखते हैं कि बोरिंग वाला खेत है या पेड़ वाला खेत है, जिससे आपकी आइडेंटिटी रहे, ठीक है। और ये सारा डिटेल भरने के बाद जमीन आपकी सिंचित है असिंचित है ये आपको मेंशन करना है, पिछली फसल आपने कौन सी ली है, परेशानी उसमें आती है जैसे मान लीजिए खेत में जमाव कम होता है या इस तरह की कोई विशेष आपको दिक्कत समझ में आती है तो वो भी आपको उसके अंदर लिखना है। और उसके बाद उस नमूने की जो पर्ची है उसको आपको उस नमूने के अंदर रख करके, ठीक है, और उसके बाद आप नमूना हमारे केंद्र पे आप दे दीजिए। और अगर जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए होता है
तो इकट्ठे जैसे आपके मान लीजिए 50 नमूने एक साथ जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, तो जल्दी हम लोगों को भेज सकते हैं, उनको टेस्टिंग करा सकते हैं। ठीक है।